हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस यहाँ पे अभी सुबह से मैंने अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया था, लेकिन जस्ट अभी शुरू किया है। तो बस अभी लंच टाइम से मैं शुरू कर रही हूँ, और आज सारे काम करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। और बस यहाँ पे फिर ये चिकन ले कर के आए, उसके बाद बस यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है। सो उस यहाँ पर पहले अभी मैं चिकन को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ मसाले मैंने निकाले हुए हैं, खड़े मसाले चिकन के साथ में डालने के लिए। और बस मैं आज सिंपल सा ही बना रही हूँ। जो है हम लोग को थोड़ा सा भुजमा चिकन खाने का मन था, तो इसलिए बस यहाँ पे अभी उसी की तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने प्याज ली, थोड़े से खड़े मसाले लिए खड़े, उसके बाद उसको सबसे पहले मैंने गरम मसाले डाले, उसके बाद प्याज, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी चिकन। प्याज को अच्छे से फ्राई होने के बाद में, तो इस तरीके से भी बनाओ ना तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। जैसे कि स्टू बनाते हैं ना हम लोग, उस टाइप से। यहाँ पे अभी कुछ ये अदरक और लहसुन मैंने लिया हुआ है, कुछ मसाले लिए हुए हैं, तो वो मैं एक साथ में पीस लूँगी, क्योंकि मैंने प्याज उसमें नहीं पीस करके डाली है। तो बस यहाँ पे देखो हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन। और ये झटपट वाला चिकन है, बहुत ही अलग तरीके से मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला नहीं खाना था। तो बस इस तरह से, अगर आप लोगों को जल्दी है, कोई मेहमान आए हुए हैं, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत इजी भी है, हर कोई इसको बना सकता है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने रख दिया है। और बस यहाँ पे हम लेडीज़ों का यही होता है कि एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते हम ना, सारी चीज़ें साथ साथ में करते रहते हैं कि हमारा ये भी काम निपट जाए साथ में। क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी काम निपटाने की सोचते हैं। तो बस यहाँ पे गुड़ जो है ना ख़त्म हो चुका था, तो बस मैंने यहाँ से निकाला है, उसका डब्बे में भर दिया है फोल्ड करके। और यहाँ पे साथ ही साथ में बर्तन भी सेट कर दूँगी उनकी जगह पर, क्योंकि फिर मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं साथ ही साथ में। क्योंकि साथ साथ में अगर ये सारे काम होते जाते हैं ना, तो सही रहता है, छोटे बच्चे अगर साथ में हो तो। और सुबह सुबह में मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम अपना फिनिश कर लूँ रैन की उठने से पहले। तो देखो अभी तक तो वो उठी नहीं है, लेकिन मेरा काम तब तक फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, सिंक भी क्लीन हो गया है, साथ साथ में यहाँ पे चिकन बन रहा है हमारा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस सच में। तो ये, और यहाँ पे हुरैन के, तो यहाँ पे हुरैन के लिए पानी बॉईल हो रहा है सैरेलेक के लिए। तो बस बीच बीच में हम अपने चिकन को भी देखते जाते हैं ताकि वो चिपक ना जाए, क्योंकि इसमें मसाले डले हुए हैं सारे, तो चिपकने का डर रहता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में उसको चलाती भी जा रही हूँ। और बस थोड़ी ही देर में हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि चिकन जो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी पक जाती है। तो गाइस बस ये सारे काम फिनिश करने के बाद में मुझे अपने हाथों पर वैक्स भी करनी है, क्योंकि अभी है ना काफ़ी टाइम से मैंने वैक्स नहीं की हुई है। और फिर उसके बाद में एक लोशन है जो मुझे लगाना है आफ्टर वैक्स करने के बाद में। अब वो लोशन लगाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ वो कौन सा लोशन है। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हेयर रिमूवल के मेनली सिर्फ दो मेथड होते हैं, या फिर तो शेविंग करना या वैक्सिंग करना। इनके फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। अगर आपको कहीं जल्दी में जाना है तो आप शेविंग कर सकते हैं। शेविंग में बेस्ट ऑप्शन नहीं कहूंगी, क्योंकि विंटर्स के टाइम में शेविंग करना बहुत ही ज्यादा खराब होता है, नुकसानदायक होता है। उससे आपको बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन में इचनेस, और साथ ही में आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इस चीज़ की भी मना कर रहे हैं, तो फिर हमें करना क्या चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस, जब भी हम वैक्सिंग या फिर शेविंग करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, और जिसके कि हमारी जो नेचुरली स्किन होती है उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर हम क्या करें, क्या
वैक्सिंग और सेविंग करना छोड़ दें हम लेडीज, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि सेविंग और वैक्सिंग करने के बाद में हमारी जो स्किन है ना बहुत ही ज्यादा क्लीन और सॉफ्ट सी लगती है, और जब सॉफ्ट और जो क्लीन हमारी जो स्किन हो जाती है एकदम साफ सुथरी सी, तो वो हर किसी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आती है। सो गाइज, ये है आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन जो बनाया गया है वैक्सिंग और सेविंग के आफ्टर इफेक्ट के साइड इफेक्ट को हेल करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना खास क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें पाया जाता है जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा और विटामिन ए, जो कि स्किन पर लगाते ही आपको सूथिंग फील करवाता है। अलोंग विद दिस प्रॉपर्टीज, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है। इवन नॉट इन विंटर, जब भी वेदर चेंज होता है आपके स्किन की कंडीशन उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। इसका मतलब मौसम कोई भी हो, सेविंग और वैक्सिंग जो पेनफुल इफेक्ट होते हैं ना उनको ये कम कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्किन कितने अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से मेरी जो स्किन हाइड्रेट हुई है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो जी मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इसके यूज़ करने के बाद से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप लोगों को भी परचेज़ करना है तो जल्दी से जा करके परचेज़ कीजिए। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसके यूज़ करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड आ जाओ, आओ दवाई पियो, जल्दी आओ, कम 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 आ गया। सो गाइस, दवाई में किस लिए पिला रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ना इसके कान में हो गई थी फुंसी, तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास लेके गए थे क्योंकि उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, तो फिर दवाई लेकर के आया इसकी। एक और दी थी तो वो भी मैंने पिला दी है, तो अभी मैं ये वाली पिला रही हूँ। और आज ये लड़की बिल्कुल गंदी संदी से घूम रही है, क्योंकि आज सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको रेडी कर सकूं, और ऊपर से ये कुछ खा पी नहीं रही है, तो इसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है कि ये कुछ खा नहीं रही, पता नहीं क्यों, ना तो दूध पी रही है ना ही कुछ और खा रही है। तो ये दवा पिलानी है मुझे 5 ml, ऊपर करो फ्रेंड, जो है ऐसे ही टाइम निकल जाता है, क्योंकि मम्मी भी नहीं घर पे, भाभी भी नहीं है, और कोई भी नहीं है इसको संभालने वाला, तो इसलिए बच्चों में टाइम हो जाता है। ले लो, सुसु भी कर दिया। No, 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 no. हाय गाइस, मैं तैयार हो गया हूँ, देखो। हाँ देखो, मैं तैयार हो गया हूँ। सो गाइज, अभी हम लोग छत पे आ गए हैं और इनको लेकर, जो शाम का टाइम हो गया है, और बस इसको मैंने लगा दिया है टोपा, तो आज तो पहले आई है, देखो कैसी लग रही है। और उसके पापा ने निकाल ली है उसकी गाड़ी, तो वो बैठेगी यहाँ पर और हम लोग ऐसे ही टहलेंगे। अभी तो थोड़ी सी धूप है, ये देखो ये घूम रही है हुरू। हाँ, बस यहाँ साइड से जो है ना हमारा दूध आता है भैंस का, तो अभी तो टाइम है थोड़ा सा निकलने में, आधा घंटा करीबन दो। यहाँ देखो बच्चे कैसे पत्तों से खेल रहे हैं, नारायण घूम रही है अपने पापा के साथ में, उनके पापा घुमा रहे हैं उनको। देखो यहाँ से ये क्या है ना, टूट गया है ना, तो जैसे वो उंगली रखती है ना हाथ, तो ये दब जाता है यहाँ से, ये टूट गया, ये भी और इधर से भी। तो इन्होंने मंगाया है टैप और कैंची, तो वो जो यहाँ से टूटा हुआ है ना गाड़ी, वहाँ पे टैप लगा देंगे, इससे क्या है ना हुरैन के हाथ में लगेगी नहीं, वरना वो क्या ना उसका हाथ दब जाता है। तो ये टैप मिल गया, कैंची मिल गई, साथ में ये लेकर के चलते हैं। इसमें है बिस्किट, तो गिलहरी को या चींटियों को डाल देंगे तो वो खा लेगी आराम से। तो यहाँ पे मैंने ये बिस्किट डाल दिए हैं, इसमें रबर कहाँ से आ गई, तो ये गिलहरी खा जाएंगी। तो गाइस यहाँ देखो इनको,
ये मैडम बैठी हुई है। रैन अच्छा लग रहा है आज तो, बहुत समझो इन्होंने टोपर लगा लिया है वरना बिल्कुल नहीं लगा दिए। ये देखो ये अंदर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो अंदर? ओ माय गॉड, हाँ यार ये अपन देखकर तो आ गए लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि इसके अंदर था क्या। जी पापा के टाइम पे बंद रखा है, इसे लॉग ही नहीं पता किसी को। अच्छा, मैंने सूटकेस ऐसा का ऐसा ही रखा देखा है शिवपुरी में लेकिन आज तक नहीं पता कि इसके अंदर क्या था। देखो इसके अंदर क्या है, देखो भारी है इसका वजन, भारी तो क्या है। उस दिन अपन लोगों ने सामान रखवाया ना, उसे हम लोगों ने अंदर तो ना जिन वर्कर्स को हमने बुलाया था ना काम करने के लिए, मतलब कि सामान वगैरह उठाने के लिए, तो इतना ज़्यादा भारी था ना कि दो लोगों से बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। वो लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्या भर के लाए हो उसके अंदर, इतना ज़्यादा भारी है बिल्कुल नहीं उठ रहा है वो। तो चलो फाइनली आज देख हम भी लेंगे और आप लोग भी देख लेना मेरी बहनें सारे। पता नहीं है जी, आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देखेंगे है ना, और हरन भी एक्साइटेड है देखने के लिए। हरन कैमरे के सामने खुल गए, इससे सबको पता चल जाएगा भाई। हाँ सही है, तुम्हारी बहने हैं सबको पता चल जाएगा। राज जितने भाई हैं इतने बहने हैं यूट्यूब की। जैसे लोग बाग जीरो जीरो रखते हैं, जीरो जीरो करके देखो ना। देखो 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 नहीं खुला, क्या हो सकता है, क्या लगाया होगा पापा ने। 786 देखो, 7 8 2 8 8 खा गया, 8 ये तो जंग खा गया है। खोल ही नहीं रहा ना, तो घूम ही नहीं रहा तो वो काफी टाइम से खुला ही नहीं, बंद पड़ा हुआ है तो वो तो कैसे खुलेगा, तो जंग तो खाएंगे ना। 8 आ गया, 6 क्या लगता है, 7 6 हाँ 7 8 6 ओके हाँ खोलो। नहीं खुला, अब क्या हो सकता है, एक बार ट्राई करते हैं। 1 1 1 1 1 1 पहले के लोग सिंपल पासवर्ड रखते थे, आप 0 0 करके ही देखो फिर से शायद खोले। तो 0 0 भी कर लिया यार, तो वैसे पासवर्ड से तो नहीं खुल रहा है इसके साथ में, देखते हैं खुलता है या नहीं। क्या एक पेज का सॉन्ग मिल जाता है, वही रखे हैं क्या पेज का? तो गाइस जितने ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है ना उतने ही ज्यादा आप लोग भी हो गए इसको देखने के लिए है ना। बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इसको खोलने के लिए लेकिन बड़ी मुश्किल से, ये अभी तक तो खुला नहीं है और देखते हैं। कैंची की धार ये सारे पेपर्स रखे हुए हैं, कितनी पुरानी रखी है ये सामान, जरी वगैरह इस चीज का वैन है। तो गाइस
ये देखो, हम लोग सोच रहे थे इतना ज्यादा वजन किस चीज का है, तो निकले हैं ये सारे पेपर्स ही पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स ही पेपर्स है इसके अंदर, और कुछ नापने तोलने वाला जो पापा नापते होंगे ना, मतलब किसी को प्लॉट वगैरह, तो उसका सामान रखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेटर वगैरह भी है, दिखाऊँ मैं आपको, क्या बोलते हैं जरी, ये तो कैलकुलेटर है, हाँ चैन सी होती है, जरी बोलते हैं, जरी वगैरह है कुछ, काफी टाइम से बंद रखा था तो हमने भी नहीं देखा था कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो आज हमने भी देख लिया है कि भाई पेपर्स ही हैं और कुछ नहीं निकला है इसके अंदर, तो इनके पास हमने इसलिए खोला है ये बक्सा, वैसे हम लोग खोलते नहीं, सॉरी बक्सा बोल रहे, सूटकेस इसलिए खोला है क्योंकि इनके पास किसी का फोन आया था, किसका फोन आया था आपके पास, पापा के फ्रेंड है पटवारी, उनका फोन आया था कि मुझे कुछ कागज चाहिए थे, सारे कागज तो इसमें ये बक्से में है, और क्या, तो वैसे ये बक्सा खोला, इसमें से जो कागज वो मांग रहे हैं वो ढूंढेंगे और उन तक पहुंचा देंगे बस, और क्या, वैसे भी हमारे पास जो महाशिवपुरी में भी बहुत से कागज ऐसे रखे हुए थे, तो वो हमने सबको दे दिए जिनसे इसको ले जाने थे, और फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे ले आए थे कुछ कागज वगैरह, तो अब जिसको चाहिए होंगे तो वो उनको दे देंगे, अभी फोन भी आया तो उसमें से वो देखते हैं क्या मांग रहे थे, इनको पता है तो वो इसमें से देखेंगे कागज वगैरह, फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे। नहीं, अरे हाँ, मैंने कल रात में जो है ना मुरब्बा खा लिया था, गाजर वाला मुरब्बा, जो कि मुझे लवली बाजी ने दिया था, दिल्ली से मंगाया था उन्होंने, खा लिया था वो मैंने, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्सल हो गए थे, सुबह तो बिल्कुल पानी भी नहीं जा पा रहा था गले के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा शुक्र ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या बोल रही हो रैन, तुम्हें क्या बात करनी है, भैया होरेन से भी बात कर लो हमारी, ये क्या है, ये क्या है, तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में फिर से, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे, और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, इंस्टा आई डी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वैसे मेरे इंस्टा आईडी का जो नाम है वो है bulbul007vlogs, और हुरैन की भी इंस्टा आईडी है huraynali76, तो उसको भी फॉलो कर लेना। चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़, हुरैन अल्लाह हाफिज़ करो, हुरैन अल्लाह हाफिज़।